గాంధీ నెహ్రూలా జై కాంగ్రెస్ మన ఇందిరమ్మ నడిచింది మన కాంగ్రెస్ రాజీవ్ శ్వాస విడిచింది జై కాంగ్రెస్ సర్వ త్యాగములకు మారు పేరు మన కాంగ్రెస్ మనకు మహామహులనిచ్చింది జై కాంగ్రెస్ మన దేశమంత మెచ్చింది మన కాంగ్రెస్ ప్రాజెక్టులన్నీ కట్టింది జై కాంగ్రెస్ పల్లె రూపురేఖ మార్చింది మన కాంగ్రెస్ एरिया में कौन आबादी करे बोलिए आप एक मिनट इधर बोलिए अच्छा एरिया को आबादी कौन करे बताइए आप कितने साल से यहाँ के बताइए कितने साल से आप 85 से हूँ मैं जी 85 से पूरा काम करा है मैं जब जनार्दन रेड्डी के साथ जनार्दन रेड्डी मेरे घर को आता था जी कमर कृष्णा जनार्दन रेड्डी
सब इधर देखो, सब सब सर इधर, सर इधर देखो एक मिनट, लियाकत लियाकत भाई जरा एक मिनट, जरा जरा एक मिनट भाई, जरा एक मिनट पकड़ना राइट। कंपलसरी माइनॉरिटी पब्लिक की सोच रही है, हमारा माइनॉरिटी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए, कई को नहीं दिए, उन्होंने जीते से कारपोरेटर है, उन्होंने कई को नहीं दिए उनको बोल के माइनॉरिटी पब्लिक सोच रहे यहाँ का, सोच के उन लोग TRS को तो उन लोग वोट नहीं डालते, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पूरा सेक्युलर पार्टी पूरे लोगों को मिला के चलते बोल के वो माइनॉरिटी पूरा कांग्रेस पार्टी को डालते वोटा। मैं रहमत नगर डिवीज़न से कंटेस्ट कर रहा हूँ, भवानी शंकर मेरा नाम है। आज रहमत नगर डिवीज़न में श्रीराम नगर बस्ती में पदयात्रा कर रहा हूँ। यहाँ पब्लिक बोल रहे, इसके पहले जो TRS का गवर्नमेंट थे वो टाइम पे हमारे को कुछ भी सहूलत नहीं हुआ, पूरा जो कुछ हुआ पूरा कांग्रेस का गवर्नमेंट में हुआ। कांग्रेस MLA थे विष्णुवर्धन रेड्डी और जनार्दन रेड्डी साहब, पूरा एक घर पूरा बसा ऐसे टाइम पे पूरा जनार्दन रेड्डी साहब सपोर्ट करे पूरा, उन्होंने पूरा CC रोड पूरा ड्रेनेज का पानी का पूरा इंतज़ाम करे थे उन्होंने जनार्दन रेड्डी साहब। बाद में विष्णुवर्धन रेड्डी साहब पूरा इसका पाइपलाइन का कनेक्शन, नल का पाइपलाइन का कनेक्शन दिलाया उन्होंने, रोड CC रोड चलाया और बस्ती के लिए कम्युनिटी हॉल बनाया और गवर्नमेंट स्कूल एक अप टू 10th क्लास तक, पहले खाली टीन्स का शीट था, अभी पूरा G+4 बना दिए पूरा बस्ती को, इतना डेवलप करे विष्णुवर्धन रेड्डी, अम्मा बंडपल्ली चंद्रम्मा दोनों मिलके डेवलप करे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है यहाँ विष्णुवर्धन रेड्डी साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी एक लगाया, और बस्ती में अब पब्लिक बोल रहे अभी TRS हुकूमत में हमारा कुछ भी नहीं हुआ, कामा पूरा खाली डबल बेडरूम का बात बोल के उन्हों इलेक्ट हुए, बाद में दिखे भी नहीं उन लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक एक डबल बेडरूम घर भी नहीं बनाया, और उन्होंने बातें बोल के पूरा 5 साल हो गए अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। हम अब विष्णुवर्धन रेड्डी MLA अम्मा कॉर्पोरेटर्स रहे इस टाइम पे गवर्नमेंट लैंड एक 9.8 acres गवर्नमेंट लैंड पूरा एक्वायर करके हाउसिंग के लिए लगाया, उसमें PGR हाउसिंग कॉलोनी उसमें डेवलप करते पूरा गरीब पब्लिक को डबल बेडरूम इन लोग घर बना के उनको दिलाएंगे। सर आपको पब्लिक हम लोग ऑलरेडी यहाँ रहमत नगर डिवीज़न से 20 साल से सर्विस कर रहे, यहाँ पूरा डिवीज़न में पूरा गली गली क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बस्ती में कौन सा प्रॉब्लम है अच्छा मालूम है हमारे लोगों को, और पब्लिक को भी हम लोग 20 साल सर्विस करके हम लोग पब्लिक भी पहचानते। अभी दूसरा कैंडिडेट को उन्होंने यहाँ का लोकल नहीं है, उन्होंने नॉन लोकल है उन लोगों को, उनको पहले बस्ती नहीं मालूम, उनको गलियों का बात छोड़ दीजिए, बस्तियों का नाम नहीं मालूम, बस्ती कौन सा बस्ती कहाँ रहता नहीं मालूम, और क्या बोलते हो अब TRS गवर्नमेंट TRS हुकूमत पार्टी ने TRS पार्टी अभी इसके पहले कॉर्पोरेटर माइनॉरिटी का था, वो माइनॉरिटी को उन लोग धोखा दे के उनको माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिए, उन लोग बोले तो खाली वोट पूछने के लिए माइनॉरिटी वोटा चाहिए उन लोगों को, हाँ कैंडिडेट को ठहरा करने के लिए माइनॉरिटी को उन लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे। सर आप एक